हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवाणी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही थी ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, एंड चैप्टर सेकेंड हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल रिंग्स एंड यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट है। इस लेक्चर में इस वाली यूनिट की जो डेफिनेशन थ्योरम से बची हुई उनको कवर करेंगे, और फिर इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका कल, जिसमें कि हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आपकी ये वाली जो यूनिट है, यूनिट सेकंड, ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपकी दो यूनिट रह जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन ना लो, एग्जाम से पहले पहले ये वाली बुक और लीनियर अलजेब्रा ये तो आपकी भी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन बात करें जो आपकी सेकेंड बुक है, सेकेंड पेपर की, जिसमें से कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने लिया डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस, एंड कुछ स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, तो देखो उनका आपकी अलग क्लास चल रही है। दो दिन से क्लास आपकी इस वजह से आपको नहीं मिल पा रही थी, मुझे बाहर जाना पड़ रहा था, तो इस वजह से लेक्चर नहीं डल पा रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था टाइम लग जाएगा वहां पे ज्यादा, तो इस वजह से थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया। ठीक है, लेकिन अब रेगुलरली क्लासेस मिलेंगी आपको। और दूसरी बात ये, अपनी प्रिपरेशन जो है वो हैंड टू हैंड करते रहिए। आप सभी को पता है सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों के आपके 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अच्छे से तैयारी जो है वो करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मॉडल पेपर वगैरह जो भी बनाने वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, जब भी हो जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे और अपडेट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा आज इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स बची हुई है जिनको हम कवर करेंगे, एंड ये आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कोई सी भी एक डेफिनेशन, तो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। अच्छा, डिवाइजर क्या होते हैं ये तो आप सभी को क्लियर है। किसी भी टर्म को जब हम किसी अनदर टर्म से डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, जिसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर डिवाइजर और इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं ये हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिट एलिमेंट 1। हमने मान लिया डी क्या है, कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है, किसके साथ में, यूनिट एलिमेंट 1, यानी कि उसके अंदर एक यूनिट एलिमेंट 1 क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी। हमने मान लिया ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसका, डी का, और ये कैसा है, एक नॉन जीरो एलिमेंट, यानी कि ये जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट जीरो नहीं हो सकती। देन द यूनिट ऑफ डी एंड द एसोसिएट्स ऑफ ए आर ऑलवेज डिवाइजर्स ऑफ ए। तो इस कंडीशन में जो यूनिट होंगी किसकी, डी की, और जो एसोसिएट्स होंगे किसके, ए के, उनको आप क्या बोलोगे, वे हमेशा क्या होंगे, ए के डिवाइजर होंगे, यानी कि ए को डिवाइड करेंगे ही करेंगे। अब एसोसिएट मत पूछना, एसोसिएट की डेफिनेशन मैं आपको इससे जो पहला लेक्चर हुआ है उसमें क्लियर करा चुकी हूँ। ठीक है, आपको क्या बताया था कि मान लीजिए इंटीजर्स, एंटीजर्स से एक बार एग्जांपल मैंने बताया था उसके लिए, एसोसिएट्स क्या होते हैं आपके पास में, -1 और 1 इसी टाइप से बताए थे, तो वही चीजें हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर डी क्या है, कोई भी इंटीग्रल डोमेन है जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ए क्या है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है डी का, तो उस कंडीशन में जो डी की यूनिट होगी एंड जो ए का एसोसिएट होगा वो हमेशा क्या कहलाएंगे, ए के डिवाइजर होंगे। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्राइवियल डिवाइजर्स ऑफ ए। तो इस टाइप के जो डिवाइजर्स होंगे उनको आप क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर डिवाइजर या फिर ट्राइवियल डिवाइजर्स, किसके, ए के। एनी अदर डिवाइजर्स ऑफ ए आर कॉल्ड प्रॉपर और नॉन ट्राइवियल डिवाइजर्स ऑफ ए। और इससे अलग जो भी डिवाइजर्स होंगे ए के, उनको आप क्या बोलोगे, प्रॉपर डिवाइजर या फिर नॉन ट्राइवियल डिवाइजर बोलोगे। क्लियर है बात, एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि यदि डी इंटीग्रल डोमेन है, उसके अंदर यूनिट एलिमेंट 1 क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, डी का, तो उस कंडीशन में डी की जो यूनिट होगी और जो ए के एसोसिएट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ए के डिवाइजर होंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर डिवाइजर या फिर ट्राइवियल डिवाइजर बोलेंगे ए का, और इससे अलग जितने भी डिवाइजर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर डिवाइजर, सॉरी प्रॉपर डिवाइजर या फिर नॉन ट्राइवियल डिवाइजर्स ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल इन द इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स, यदि हम इंटीजर्स का इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं क्या,
प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस सिक्स। तो ये कहते हैं हमारे ट्राइवियल डिवाइजर्स हैं किसके, सिक्स के। बट जो प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री, ये कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स हैं किसके, सिक्स के। क्लियर है बात। अगर हम इंटीजर्स ले रहे हैं, ठीक है, इंटीजर्स का सेट माने, इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ इंक्लूड होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इंटीग्रल डोमेन है डिवाइजर्स का, उसके अंदर प्लस माइनस वन और प्लस माइनस सिक्स, हमने दो एलिमेंट लिए, ठीक है, सिक्स एक एलिमेंट लिया हमने, सिक्स क्या लिया, एक एलिमेंट दिया, उसके लिए हमने क्या माने, दो इंटीजर। देखो प्लस, आप एक बात बताइए, सिक्स जो है वो किस किस से डिवाइड होता है, सिक्स आपका किस किस से डिवाइड होता है, वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, थ्री से डिवाइड होता है, खुद सिक्स से डिवाइड होता है। अब एक बात बताइए, ये सभी टर्म्स आपकी पॉजिटिव भी होंगी और इधर की साइड ये सभी टर्म्स आपकी निगेटिव फॉर्म में भी होंगी। एक बात आप सभी को पता है, वन से हर एक डिजिट कट हो जाती है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 999, क्या ये वन से डिवाइड होगा, 110% डिवाइड होगा, कोई भी डिजिट हो वो वन से क्या होगी, ऑलवेज डिवाइड होगी। दूसरी चीज, हमने सिक्स लिया है तो सिक्स अपने आप से भी तो डिवाइड होगा, कोई भी डिजिट या तो वन से हमेशा डिवाइड होती है या अपने आप से, अगर वो किसी भी अनदर एलिमेंट से डिवाइड ना हो रही हो तो उस केस में भी दो तो कंडीशन ऐसी है कि वो हमेशा डिवाइड होगी, एक वन से एक अपने आप से, ये तो आप सभी को पता है। तो इसीलिए एक बार तो पॉजिटिव और एक बार निगेटिव दोनों कंडीशन मिलोगे। तो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस सिक्स किसके लिए, सिक्स के लिए, ये कैसे हैं आपके ट्राइवियल डिवाइजर्स है, या फिर आप कह सकते हो इनको इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हैं ये। क्लियर है इतनी बात। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे सिक्स ना लेकर के आपसे कहूँ फाइव, तो एक बात बताइए फाइव के लिए कौन कौन से होंगे, आप कहोगे दी इसके लिए प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस फाइव, ये कैसे हैं हमारे इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हैं या फिर ट्राइवियल डिवाइजर्स हैं। लेकिन इसके लिए क्या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर डिवाइजर है या नॉन ट्राइवियल डिवाइजर नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें फोर की, तो फोर के लिए आप क्या कहोगे, प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस फोर, ये तो कैसे हो गए जी हमारे ट्राइवियल डिवाइजर्स, इम्प्रॉपर डिवाइजर्स भी कह सकते हो आप इन्हें। और किससे डिवाइड होता है फोर, हमारा टू से भी तो डिवाइड होता है, तो ये हमारा टू कैसा है, यहाँ पे प्रॉपर डिवाइजर है, या फिर आप बोलोगे इसको कैसा है, ये नॉन ट्राइवियल डिवाइजर है। क्लियर हो गई बात ट्राइवियल डिवाइजर और नॉन ट्राइवियल डिवाइजर्स की, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन पे आइए। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम एंड इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी एलिमेंट वन, मान लीजिए डी क्या इंटीग्रल डोमेन है, किसके साथ में, यूनिट एलिमेंट वन, या कि वहां पे यूनिट एलिमेंट वन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अ नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू डी, वहां पर क्या है, एक नॉन जीरो या फिर नॉन यूनिट एलिमेंट ए है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, डी को, यानी कि ए की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होगी, ठीक है। Having only trivial divisors, जो कि क्या रख रहा है, only trivial divisors रख रहा है, is called a prime or irreducible element of D, इसको हम क्या कहेंगे, prime या फिर irreducible element कहेंगे, किसका, D का। अब देखो सिर्फ only trivial कहा है यहाँ पर, only trivial के लिए condition क्या बताई थी, मैंने सिर्फ फाइव बताया था, फाइव के आप दो ही कर सकते हो factors, plus minus वन and plus minus फाइव, सिर्फ इन दोनों से कटेगा, इट मीन इसके हमारे पास में इम्प्रॉपर यानी कि ट्राइबल डिवाइजर्स तो है बट प्रॉपर या फिर नॉन ट्राइबल डिवाइजर्स नहीं है। तो इसलिए अगर मैं कहूं क्या ये आपका प्राइम एलिमेंट होगा, तो आप कहोगे नहीं होगा। तो प्राइम एंड इरिड्यूसिबल एलिमेंट कौन से होंगे, जिसमें से कि केवल उनकी क्या हो, वे क्या रखे, ओनली ट्राइबियल डिवाइजर्स रखे, ठीक है, उनको ही आप क्या बोलोगे, प्राइम और इरिड्यूसिबल एलिमेंट बोलोगे, किसका, डी का। आई होप आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे लिखाती हूँ। देखिएगा अब जितनी भी ये डेफिनेशंस हैं ये सारी मैं कराऊंगी तो आपको बुक से ही, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में तो मैं कुछ भी आपको अलग से सॉल्व करके नहीं बता सकती और बोर्ड पे लिखा करके करा रही हूँ तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एक दो डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इसीलिए
बुक का आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बुक से ही समझा रही हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से देख लेना, ठीक है। तो आपको समझा रही हूँ, सिर्फ इन डेफिनेशंस को आपको याद रखना है। कोई थ्योरम अगर ऐसी आएगी जिसका प्रूफ कराना होगा तो वो मैं बोर्ड पे करा दूंगी, क्लियर है। तो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, प्राइम एंड इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होते हैं, कि लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग। अब ये मत पूछना कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, रिंग की आपको कंडीशन सारी बताई थी स्टार्टिंग में। कॉम्यूटेटिव रिंग मतलब अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो माना आर क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि यदि ए और बी किसको बिलोंग करें, आर को बिलोंग करें, देन जीरो डज नॉट इक्वल्स टू डी बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। इफ क्या कहा इन्होंने कि मान लिया आर क्या है, कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो यदि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है जो कि आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि जीरो डज नॉट इक्वल्स टू डी हो, यानी कि डी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और डी ऑल्सो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो डी है इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहेंगे ए और बी का, किस कंडीशन में, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। कौन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन है इज डिवाइडेड बाई डी and B is divided by D, और second condition है whenever A is divided by C and B is divided by C, then D is divided by C, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि यदि R commutative ring है और B कोई भी element है जो कि R को belong कर रहे हैं, मानना D कोई भी another element है जो कि R को belong कर रहा है, लेकिन इसकी value क्या है, zero नहीं है, यानी कि does not equals to zero है, तो उस condition में D को हम क्या कहेंगे, greatest common divisor कहेंगे A और B का, यदि ये दोनों conditions क्या कर रही हो, satisfy कर रही हो। क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछ सकता है, define greatest common divisor, या what is greatest common divisor, या फिर define the condition फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, तो आपको लिख देनी है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करके दिखाने की नीड नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स। रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स क्या होंगे, कि लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी एलिमेंट वन, यानी कि माना डी क्या है, कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट वन एग्जिस्ट करता है। टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू डी, कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, डी को, और डी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू डी आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम। ये जो दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, इनको हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम कहेंगे, इफ यदि देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज अ यूनिट ऑफ डी, यदि उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या हो, डी की यूनिट हो। क्लियर है बात, डेफिनेशन समझ में आ गई, कि डी एक हमारा इंटीग्रल डोमेन है जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट वन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में कोई भी दो एलिमेंट जो कि डी को बिलोंग कर रहे हैं उनको हम रिलेटिवली प्राइम कहेंगे, यदि उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या हो, डी की यूनिट हो, ठीक है। इसके बाद में इसमें देख लीजिए कि बट एनी एसोसिएट ऑफ अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हालांकि अगर डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो यहां से यहां तक ही आपको डिफाइन करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं बताना। बट एनी एसोसिएट ऑफ अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि कोई भी एसोसिएट किसका, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का, वो भी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ऑल्सो द यूनिटी एलिमेंट वन इज एन एसोसिएट ऑफ एनी यूनिट, यानी कि जो यूनिट एलिमेंट वन होता है वो क्या होता है, एसोसिएट होता है किसी भी यूनिट का। सो देयरफॉर यदि ए और बी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, तो वी में एज्यूम दैट हम क्या मान सकते हैं, कि अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज वन, यानी कि जो ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या हो सकता है, वन हो सकता है। उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू वन। क्लियर हो गई बात, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव वालों को ध्यान से समझनी है ये वाली लाइन, सब्जेक्टिव वालों के लिए तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, बट ऑब्जेक्टिव वालों को ध्यान रखना, आपका एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या कि लेकिन कोई भी जो एसोसिएट है किसका, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का, वो क्या होता है, हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ऑल्सो यदि वन क्या है, कोई भी यूनिट एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, एसोसिएट होगा किसी भी यूनिट का। सो देयरफॉर ए और बी यदि रिलेटिवली प्राइम है, तो हम क्या मान करके चल सकते हैं, कि ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा
वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है थ्योरम, और इस थ्योरम का प्रूफ आपको नहीं करना है, सिर्फ एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए आगे कि पॉलिनोमियल्स ओवर एन इंटीग्रल डोमेन, कि इफ डी इज एन इंटीग्रल डोमेन देन द पॉलिनोमियल रिंग डी ऑफ एक्स इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, यानी कि यदि डी क्या इंटीग्रल डोमेन है तो उस कंडीशन में जो पॉलिनोमियल रिंग होगी डी ऑफ एक्स उसको भी वो भी क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। क्लियर है। देखिएगा उसके बाद में क्या है, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड। क्या होते हैं रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड, कि लेट मान लिया एफ क्या है, कोई भी एक फील्ड है एंड एफ ऑफ एक्स बी अ नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स, यानी कि मानना एफ क्या है, कोई भी फील्ड है और एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई भी नॉन जीरो और नॉन यूनिट पॉलिनोमियल है इन एफ एक्स में। सो इन अ सेंस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा पॉजिटिव डिग्री का। सो देन तब एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल ओवर एफ और प्राइम इफ इट हैज नो प्रॉपर डिवाइजर्स इन एफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है उसको हम रिड्यूसिबल बोलेंगे ओवर एफ किस कंडीशन में, यदि वहां पर क्या ना उसका कोई भी प्रॉपर डिवाइजर ना एग्जिस्ट करता हो किसके अंदर, एफ एक्स के अंदर। सो एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर एफ इफ इट हैज अ प्रॉपर डिवाइजर इन एफ एक्स, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड। इसके अंदर कंक्लूजन क्या निकला एक तरीके से, यदि एफ क्या है कोई भी फील्ड हो गया और एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल हो गया एफ एक्स में, ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि एफ एक्स के अंदर उसका कोई भी प्रॉपर डिवाइजर नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स कैसा है, इरिड्यूसिबल है, और यदि एफ एक्स के अंदर उसका कोई भी प्रॉपर डिवाइजर एग्जिस्ट करता है तो उसको आप क्या बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स कैसा है, रिड्यूसिबल है। अब प्रॉपर डिवाइजर का तो आपको पता ही चल गया, प्रॉपर डिवाइजर और इम्प्रॉपर डिवाइजर अभी बताए थे आपको क्या होते हैं, कि प्रॉपर डिवाइजर आपके प्रॉपर डिवाइजर और इनको हम और किस फॉर्म में बोल सकते हैं, नॉन ट्राइवियल डिवाइजर्स, जैसे कि 6 का बताया था 2 और 3 कैसे थे, प्रॉपर डिवाइजर्स। लेकिन अगर बात करें प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 6 की तो वो कैसे थे, इम्प्रॉपर डिवाइजर्स थे, ठीक है। तो वही वाली बात है कि यदि एफ एक्स के अंदर उसका यानी कि एफ ऑफ एक्स का एफ का कोई भी जो प्रॉपर डिवाइजर है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो एफ ऑफ एक्स को बोलोगे आप इरिड्यूसिबल, और यदि एग्जिस्ट करता है तो उसको आप क्या बोलोगे, रिड्यूसिबल बोलोगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मोनिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या होते हैं कि मान लिया एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया किसके इक्वल है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स और टर्म्स कहाँ तक गई, ए एन एक्स टू दी पावर एन तक विद ए एन डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ए एन की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन एफ एक्स ओवर एन आर्बिट्रेरी फील्ड एफ, सो इफ द लीडिंग कॉफिशियंट ए एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि यदि जो लीडिंग कॉफिशियंट है ए एन का कौन सा एफ ऑफ एक्स, यदि वो किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, तो द यूनिट एलिमेंट ऑफ एफ देन द पॉलिनोमियल एफ एक्स विल बी कॉल्ड मोनिक। तो उस कंडीशन में जो पॉलिनोमियल होगा एफ एक्स का उसको हम क्या बोलेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द पॉलिनोमियल 2x माइनस 3x क्यूब ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट मोनिक, यानी कि जो पॉलिनोमियल है ये ऐसा है मोनिक नहीं है, सिंस इट्स लीडिंग कॉफिशियंट इज माइनस 3, क्यों, क्योंकि इसका जो लीडिंग कॉफिशियंट है वो क्या है, माइनस 3 है। लेकिन अगर हम बात करें कि बट द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 4 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज मोनिक सिंस इट्स लीडिंग कॉफिशियंट इज 1, क्यों, क्योंकि इसका लीडिंग कॉफिशियंट क्या है, 1 है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए क्या बोला था मैंने आपको डेफिनेशन में, देखो अगर यहां से क्लियर नहीं हुआ कि एफ ऑफ एक्स मान लिया इसके इक्वल है, ठीक है, तो यदि जो लीडिंग कोफिशिएंट है an का, an क्या है x टू द पावर n, और x टू द पावर n क्या होगी आपकी हाईएस्ट पावर होगी किसकी, इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की। तो आपको किसी भी पॉलिनोमियल में कौन से वाली टर्म देखनी है, सबसे पहले तो जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है, तो यदि उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो आपका किसके इक्वल हो, 1 के, यानी कि अगर वो 1 हो तो उस कंडीशन में आप पॉलिनोमियल को बोलोगे मोनिक, अदरवाइज नहीं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल यहां पे दे दिया 2x माइनस 3x क्यूब, ठीक है, अब मैं पूछूं इसमें हाईएस्ट टर्म कौन सी है, तो आप कहोगे यहाँ पे तो x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट टर्म तो हमारी ये वाली होगी, हाईएस्ट पावर वाली टर्म। अगर इस x क्यूब का कोफिशिएंट देखो तो ये कितना है, माइनस 3, तो क्या ये 1 के इक्वल है, नहीं है, तो इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा मोनिक नहीं होगा। तभी अगर आप इस वाले पॉलिनोमियल को देखते हो x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 को, तो इसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, x क्यूब है, और x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसका कोफिशियंट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल को आप क्या कहोगे, मोनिक कहोगे, और कंडीशन क्या लिखोगे कि सिंस इट्स लीडिंग कोफिशियंट इज
वन लीडिंग कोफिशियंट पता चल गया कौन सा होगा, जो भी आपकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशियंट होगा। ठीक है, एक बात और, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही पूछे जा सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। आपको 3 से 4 पॉलिनोमियल दे देगा और पूछ लेगा विच वन इज मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनिक पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा आपका मोनिक पॉलिनोमियल है या फिर नॉट मोनिक, यानी कि कौन सा मोनिक नहीं है, तो आप देख करके पता लगा लोगे कि जो भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट होगा अगर वो 1 है तो पॉलिनोमियल मोनिक होगा और नहीं है तो वो मोनिक नहीं होगा। क्लियर है? अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ओवर अ फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलोगे आप, कि मान लिया आप क्या है, कोई भी एक फील्ड है, तो माना यदि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या है, कोई भी 2 एलिमेंट है एफ एक्स के, तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा एफ एक्स और जी एक्स का वो कैसा होगा, नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा डी एक्स का, सच दैट जो एफ ऑफ एक्स होगा वो डिवाइडेड बाय किससे होगा, डी ऑफ एक्स से, एंड जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि सी ऑफ एक्स कैसा है, पॉलिनोमियल है कोई भी एक, सच दैट एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सी ऑफ एक्स, देन डी ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय सी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, इतनी ज्यादा वैसे ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट बता दिया जाए सिर्फ वो ही आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आप एज ही अपने मतलब नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा थ्योरम का स्टेटमेंट, आपको याद रखना है प्रूफ नहीं करना। बाप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे दी आपने प्रूफ क्यों नहीं कराया, प्रूफ क्यों नहीं कराया, तो जिनका भी प्रूफ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा दूंगी, टेंशन ना लो, लेकिन जिनका बोल रही हूँ नहीं करना उनको रहने देना, क्योंकि आपको भी पता है सिलेबस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा लेंथ ही आपका, पहली तो बात ये पेपर ही नहीं आएगा और पेपर में भी आपकी सफिशियंट सी चीजें लगेंगी, 2 बुक है, 2 बुक में से कितना ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा एक्स्ट्रा करने से अच्छा है आप सिर्फ अपना वो करो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स ओवर अ फील्ड। तो इसकी थ्योरम क्या कहती है कि लेट जी एक्स एंड एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 बी एनी 2 पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल डोमेन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओवर अ फील्ड एफ आर। ठीक है ज्यादा हो रही है कि माना एफ एक्स और जी एक्स क्या है, ये डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 2 फंक्शन है कोई भी जो 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने मान लिया ये दोनों क्या है, कोई भी 2 पॉलिनोमियल है किसके, पॉलिनोमियल डोमेन एफ एक्स के ओवर अ फील्ड एफ। सो देन तब देयर एग्जिस्ट यूनिकली 2 पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स इन एफ एक्स, तो वहां पे क्या करेंगे, 2 यूनिक पॉलिनोमियल क्यू एक्स और आर एक्स एग्जिस्ट करेंगे एफ एक्स में, सच दैट एफ ओफ एक्स किसके इक्वल होगा, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स की, वेयर आइदर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। अब ये बात आपको समझ में आई, क्या बोला मैंने भाई, डिविजन एल्गोरिथम आपको पता है एक होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, किन्होंने लिखा हुआ है क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, ये बताइए क्यू क्या होता है, क्वेश्चन, आर क्या होता है हमारा रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है जिसको हमने मान लिया क्या जी ऑफ एक्स, ठीक है, और एक हमारे पास में क्या है एफ ऑफ एक्स। पहले अपने क्वेश्चन पे देखिए जो आपको थ्योरम के अंदर कहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है, माना कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, चलो ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मैंने कि एफ ऑफ एक्स को हमने डिवाइड किया किससे, जी ऑफ एक्स से, तो आप इसको जब डिवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कर दो 9, ठीक है, और मैंने कहा इसको 2 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे 2 4 8 होते हैं, उसके बाद में 9 में से 8 गए कितने बचा 1, तो एक तो टर्म होती है 9, ठीक है, एक क्या होता है आपका 9 जो कि डिवाइडेंट होता है, एक होता है डिवाइजर जिससे आप डिवाइड करते हो, एक जितने टाइम्स आप डिवाइड करते हो वो क्या होता है क्वेश्चेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं क्यू ऑफ एक्स, और सोल्व करने के बाद में नीचे क्या बचता है रिमाइंडर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे आर ऑफ एक्स से। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो आपका डिवाइडेंट होगा यानी कि 9, ये आपका किसके इक्वल होगा, जब आप इसकी गुना किसमें करो क्वेश्चेंट में, यानी कि 2 की गुना आप किसमें कर दो 4 में, और ये जो रिमाइंडर है इसको आप क्या कर दो एड कर दो, तो ये हमारे डिविजन एल्गोरिथम की थ्योरम कहती है। अब इसको इस फॉर्म में लिखो तो आप क्या कहोगे दी कि फंक्शन ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल होगा जी ऑफ एक्स उसके बाद में मल्टीप्लाई 4 की जगह पे क्या आएगा क्वेश्चन, यानी कि क्यू ऑफ एक्स, और इसमें प्लस कर दोगे आप क्या
आर ऑफ एक्स। तो एक बात बताइए, ये वाली जो लाइन लिखी मैंने, क्या ये आपकी इसके इक्वल नहीं है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो यही क्या है, हमारे डिविजन एल्गोरिथम की थ्योरम कहती है। और यहाँ पे जो आर ऑफ एक्स है ये हमारा जीरो हो सकता है। आपको पता है कि रिमाइंडर अगर मान लो कम्प्लीटली कट जाता, वहां पे हम नाइन की जगह एट ले लेते, टू फोर एट कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाता, तो रिमाइंडर क्या बचता, जीरो। तो आर ऑफ एक्स जो है वो हमारा जीरो भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिग्री होगी आर ऑफ एक्स की वो लेस देन होगी किससे, जी ऑफ एक्स की डिग्री से। फॉर एग्जाम्पल जी ऑफ एक्स क्या होता है ये, यानी कि आप कह सकते हो कि आर ऑफ एक्स जो है वो ऑलवेज क्या होगा, या तो जीरो होगा भाई, या तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, या फिर ये जो वैल्यू बचेगी रिमाइंडर में ये कैसी होगी, इस जी ऑफ एक्स से छोटी होगी, लेस देन होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे टू की जगह वन की जगह थ्री हो जाता तो फिर से ये टर्म चल जाती, एक बार फिर से डिवाइड हो जाता। तो इसीलिए जब भी रिमाइंडर बचेगा तो वो कैसा होगा, या तो जीरो, या फिर जो रिमाइंडर होगा वो आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा हमारा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये मत सोचना कितनी डेफिनेशन करा रही है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, इसलिए आज के लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीआईडी। क्या होती है ये, क्या प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये क्या होता है, एक इंटीग्रल डोमेन होता है इन विच एवरी प्रॉपर आइडियल कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। यानी कि आप कह सकते हो कि जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है एक, जिसमें कि प्रत्येक जो प्रॉपर आइडियल है वो क्या होता है, जनरेट होता है किससे, एक सिंगल एलिमेंट से। सो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज एब्रीविएटेड एज पीआईडी। तो इसको हम कैसे एब्रीविएट करते हैं, पीआईडी, यानी कि इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीआईडी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि इसको शो कैसे करोगी, तो आप कह सकते हो कि आर रिंग, जिसके अंदर क्या होगा, आर कोई भी एक सेट होगा, हमने ले लिया कि जो भी आपका साइन है, जो भी ऑपरेशन है वो हमने ले लिया, प्लस और स्टार, इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। यानी कि ये जो सेट है जिसके अंदर हमने एक सेट ले लिया आर का, और प्लस और ये स्टार, ये क्या है, कोई भी दो ऑपरेशन है, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिंग बोलोगे, सॉरी ये जो रिंग है इसको आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलोगे, यदि ये इन दोनों कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाई। कौन सी, कि फर्स्ट कैसा होना चाहिए, हमारा इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि एवरी आइडियल इन आर इज प्रिंसिपल, यानी कि प्रत्येक जो आइडियल है आर में वो कैसा होना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए। क्लियर है, ये रिमार्क्स हैं, इनको ध्यान रख लेना कि इंटीग्रली क्लोज डोमेन जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, इंटीग्रल डोमेन का, और ये प्रॉपर सबसेट होगा किसका, कॉम्यूटेटिव रिंग का, और ये जो प्रॉपर सबसेट होगा वो किसका होगा, रिंग्स का। सेकेंड कंडीशन है कि एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कि जो प्रत्येक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन तो होगा, लेकिन हर एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो ये जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट कंडीशन है कि एवरी पॉलिनोमियल रिंग ओवर अ फील्ड इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यानी कि जो प्रत्येक पॉलिनोमियल रिंग होते हैं किसी भी फील्ड के ओवर, वो क्या होती है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है, लेकिन जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ इंडिटरमिनेंट्स इज वन। लेकिन यह प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है कब, यदि जो नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स हो वो क्या हो, वन हो। समझ में आई बात, दोबारा से समझ लीजिए कि प्रत्येक पॉलिनोमियल रिंग जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन तो होगी, लेकिन उसको आप प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब कहोगे, उसके लिए नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन क्या है, कि जो नंबर ऑफ इनडिटरमिनेट्स है वो कितने होने चाहिए, वन होने चाहिए। क्लियर है, तो चलिए थकिए मत, ये लास्ट डेफिनेशन है हमारी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे इसको आप, कि एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी एलिमेंट वन इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यानी कि जो इंटीग्रल डोमेन होता है आर, जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट वन एग्जिस्ट करता है, तो उसको आप यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बोलोगे कब, यदि ये दोनों कंडीशन क्या कर रही हूं, सेटिस्फाई। कौन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन है कि एनी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर इज आइदर अ यूनिट और कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल प्राइम एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट किसमें आर में, वो क्या होगा, या तो एक यूनिट होगी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर और इरिड्यूसिबल प्राइम एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी कि जो भी फाइनाइट नंबर है या फिर जो भी इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं आर के, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि द डीकम्पोजिशन इन पार्ट ए इज यूनिक अप टू द ऑर्डर एंड एसोसिएट्स ऑफ द इरिड्यूसिबल एलिमेंट, यानी कि जो डीकम्पोजिशन होगा पार्ट ए में वो कैसा होगा, यूनिक होगा अप टू द ऑर्डर एंड एसोसिएट्स ऑफ द इरिड्यूसिबल एलिमेंट, जो भी इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स के जो भी एसोसिएट होंगे वो, और जो यूनिक आपके ऑर्डर होंगे उनका जो पार्ट होगा ए, उसका डीकम्पोजिशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई करेंगी, तभी किसी भी इंटीग्रल डोमेन आर को आप क्या बोलोगे, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बोलोगे। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी कल तक, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको सभी डेफिनेशंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। रियाज तो पका दिया डेफिनेशन के चक्कर में, है ना, ये सोच रहे होंगे, बट जितनी भी डेफिनेशन से देखो, अगर मैं इतनी सारियों को यहाँ पे बोर्ड पे लिखाती तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता। ऐसी यहाँ से समझानी थी, ऐसी वहां से समझानी थी, तो आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या बताया। अगर किसी भी डेफिनेशन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, अदरवाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक ही एक्सरसाइज है, तो या तो कल या परसों, या तो एक लेक्चर में हो जाएगी, दो लेक्चर में आपका जो ये वाली यूनिट है ये कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, जो कि आज नहीं लगी है मुझे भी पता है, बट फिर भी वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और भाई जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनको भी आप जानते हो, आपसे जूनियर है, एक बार उनको भी आप बता सकते हो, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो वीडियोज को, ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स इन वीडियोज का बेनिफिट ले सके और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर